हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सीए रमन उत्तरा क्लासेस। तो सेबी ग्रेड के फेज वन के एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में इन्फॉर्मेशन हैंडआउट को रिलीज कर दिया सेबी ने अपनी वेबसाइट पे। आप जाकर उसको रेफर कर सकते हैं। क्या इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है उसको हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कुछ सैम्पल क्वेश्चन है, कुछ क्या सिर्फ दो ही सैम्पल क्वेश्चन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। चलो अच्छा, साथ ही साथ हम एक फ्री मॉक टेस्ट को अनाउंस कर रहे हैं। आपका एग्जामिनेशन है 27 जुलाई को। इस समय आपका जो फोकस होना चाहिए वो अच्छे से अच्छे एमसीक्यूज लगाने पे होना चाहिए। साथ ही साथ एमसीक्यूज जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें अगर आपकी गलती हो रही है तो अगर आपको समझ में आता है कि किस टॉपिक का ये पार्ट है, कहाँ पे जाके आपको इसको रेफर करना है, इसका सही आंसर कहाँ पे जाके मिलेगा, अगर आप उस लेवल पे हैं तो आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं ठीक लेवल पे है। फेज वन का जो एग्जामिनेशन होता है वो कंपेरेटिवली इजियर लेवल पे रहता है। जो मेन्स एग्जामिनेशन है उसमें थोड़ा सा आपके नॉलेज को टेस्ट करा जाएगा। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। इन्फॉर्मेशन हैंडआउट में जो पुरानी बातें लिखी गई थी, जो बता रखा था पहले से, उसी को रिपीट करा गया। आपके दो पेपर होंगे। पेपर वन के अंदर जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। 20-20 क्वेश्चन ईच है 25 मार्क्स के। इसमें आपको मिनिमम 30 मार्क्स लेकर आना है, 30% लेकर आना है। 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन है, 30 मार्क्स आपको लेकर आना है। कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग जीए के अंदर कुछ स्पेसिफिक नंबर लेकर आने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पेपर टू है जनरल स्ट्रीम के रिस्पेक्ट में, जिसके हम चर्चा करने के लिए कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, कंपनीज एक्ट, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स ईच के। आपका सही क्वेश्चन रहेगा तो 2 मार्क्स मिलेंगे, गलत रहेगा तो 0.5 मार्क्स कटेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन आए उसके अंदर दो आंसर सही लग रहे हो, तो आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उसको सेट करना पड़ेगा। ऐसे प्रीवियस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये दो क्वेश्चन है आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है टैंजिबल नेटवर्थ इज डैश। पहले मैं आपको बता दूं, आज से अराउंड 5 या 6 एग्जामिनेशन इसी पैटर्न पे हो चुके हैं और हर बार आईबीपीएस ने अपने इन्फॉर्मेशन हैंडआउट में सेम क्वेश्चन को रिपीट करा है, तो यहाँ पर कोई भी नई बात नहीं है। पहला क्वेश्चन है टैंजिबल नेटवर्थ क्या होती है। तो पहला ऑप्शन है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, सेकंड है टोटल करंट एसेट्स, थर्ड है फिक्स्ड एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन, फोर्थ है नेटवर्थ माइनस टैंजिबल एसेट, फिफ्थ है अदर देन दोस गिवन एज ऑप्शन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है फिफ्थ ऑप्शन, अदर देन दोस गिवन एज ऑप्शन। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, तो ये नेटवर्थ की डेफिनेशन है। नेटवर्थ मतलब कितना पैसा है कंपनी के पास, कितना पैसे की मालिक है। तो शेयर कैपिटल जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है शेयर होल्डर्स ने, प्लस जो रिजर्व्स कमा रखे हैं, तो ये नेटवर्थ की डेफिनेशन है। टोटल करंट एसेट्स हमें पता है कि यहाँ टोटल बैलेंस शीट के अंदर जो करंट एसेट्स आ रहे हैं, अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, एसेट साइड की बात करें, तो वहां पर दो पार्ट में डिविजन होता है, एक नॉन करंट एसेट और एक करंट एसेट। तो सिर्फ करंट एसेट ही नेटवर्थ का पार्ट नहीं होता, ठीक है। थर्ड पॉइंट कह रहा है फिक्स्ड एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये टैंजिबल नेटवर्थ का मतलब नहीं है, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बोल सकते हैं कि नेट अमाउंट निकल कर आ रहा है आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम फिक्स्ड एसेट। फोर्थ पॉइंट है नेटवर्थ माइनस टैंजिबल एसेट। तो यहां पर बात डिफरेंट है। अगर यहां पर लिखते नेटवर्थ माइनस इनटैंजिबल एसेट तो आपका ये आंसर, मतलब ये ऑप्शन सही होता, क्योंकि यहां पर मांगा गया टैंजिबल नेटवर्थ को। तो आपको नेटवर्थ में से इनटैंजिबल एसेट्स जो कि गुडविल है, आपका एमोर्टाइजेशन होता है जिसका, जिसको हम कहते हैं माइनिंग राइट्स वगैरह है, कुछ और ऐसा कॉपीराइट्स वगैरह है, पेटेंट वगैरह है, वो सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट हैं। तो नेटवर्थ में से जो कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स है, उसमें से अगर आप इन इंटेंजिबल एसेट्स को हटा दोगे तो टैंजिबल नेटवर्थ निकल कर आएगी। तो यहाँ पर आपको मार्क करना है ऑप्शन नंबर 5। ओके जी, अगला क्वेश्चन आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज क्लोजली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो आपको एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए, मैं पहले काफी बार बोल चुका हूँ, मेरे जो मॉक टेस्ट उसके अंदर भी एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एनसीईआरटी का ही कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है अकाउंटेंसी का। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए, पहले हम ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। क्या अक्रूवल कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न है, मैचिंग कॉन्सेप्ट है, फोर्थ कंजर्वेटिज्म है, या फिर फिफ्थ कंसिस्टेंसी है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है कि आपने कोई एक्सपेंडिचर करा, फॉर एग्जांपल आपने एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर करा एंड आप उस एड को आगे जाके काफी सालों तक चलाने वाले हैं। अमिताभ बच्चन को पैसे दिए, एक बार में तो खर्चा नहीं कर दोगे ना बुक, तो कह रहे नहीं नहीं इस एड को तो मैं 5 साल चलाऊंगा। तो आपने बोला ये एक्सपेंडिचर आपने करा है बट आप इसको डेफर कर रहे हैं आगे के पीरियड्स के लिए। क्यों कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं इस एड से जो मेरे को बेनिफिट्स होने वाले हैं वो आगे जाके काफी टाइम तक होंगे, तो इसलिए इस एक्सपेंडिचर को डेफर करा जा रहा है। एंड इसको मैचिंग कॉन्सेप्ट क्यों बोला गया, क्योंकि हमने जो अपने एक्सपेंडिचर को डेफर करा हम इसको बुक करेंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग रिवेन्यूज के रिस्पेक्ट में, इसलिए मैचिंग कॉन्सेप्ट बोला जाता है। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, काफी एग्जामिनेशन में आ चुका है डेप्रिसिएशन के बारे में,
कि डेप्रिसिएशन जो लगाया जाता है वो किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके लगाया जाता है, तो उसका आंसर भी मैचिंग कॉन्सेप्ट ही होता है। आप फिक्स्ड एसेट्स को परचेस करते हैं, फिर उसको धीरे धीरे डेप्रिसिएट करते हैं। वो धीरे धीरे डेप्रिसिएट करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने धीरे धीरे जब वो फिक्स एसेट्स को यूज करा उसके रिस्पेक्ट में आपने कुछ रेवेन्यूज को अर्न कर रखा होगा, इसलिए डेप्रिसिएशन भी मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए लगाया जाता है। ठीक है जी, यही आपके दो क्वेश्चन थे, बाकी जो एक और मॉक टेस्ट को लाइव करा गया आप सभी के लिए ओपन करा गया, आपको परचेज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप सेबी ग्रेड के एमसीक्यू कोर्स में जाएंगे, इसके बाद कंटेंट सेक्शन के अंदर मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट के अंदर जो फोर्थ मॉक है वो सबके लिए ओपन कर दिया गया है, ये वाला मॉक। तो मॉक वन सबके लिए पहले से ओपन था, फोर्थ मॉक अब सबके लिए ओपन कर दिया गया, एग्जामिनेशन आ रहा तो हमने सोचा कि एक और मॉक आपको प्रोवाइड करा जाए। इसके बाद टोटल 5 मॉक्स प्रोवाइड करे जाएंगे फेज वन के रिस्पेक्ट में। जो नेक्स्ट मॉक आएगा वो आएगा 2 दिन के बाद, ठीक है। इसके बाद मेंस के एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में भी आपको 5 मॉक्स प्रोवाइड करे जाएंगे। इस एमसीक्यू कोर्स के अंदर टोटल 5000 एमसीक्यूज भी हैं। अगर आपको कोर्सेज को रेफर करना है तो एमसीक्यू कोर्स का प्राइस है 1999 एंड फुल कोर्स का प्राइस है 3599। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, आप कोर्सेज को रेफर कर सकते हैं caramalhotraclasses.com पे। इस छोटी सी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।